गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आपको दिया गया है एक अभ्यास जो अभ्यास आधारित है चित्रों पर। चित्र जिन्हें बनाना, जिन्हें रंग करना आपको बहुत पसंद आता है। तो विशेषण शब्द की जब बात की जाती है तो रंग, आकार, संख्या की बात की जाती है। रंग, संख्या, आकार यानी कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना कि कौन कैसा है, ये विशेषण होते हैं। तो अभी तक हमने वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छाटा, वाक्य में विशेषण शब्दों को लिखा। आज हम आपको शब्द तो दे रहे हैं यानी कि विशेष्य दिया जा रहा है, विशेषण नहीं है। आपको सही विशेषण शब्द लिखना है और चित्र के आधार पर देखकर और उस चित्र को ड्रॉ करना है नोटबुक में, उनमें रंग भी करना है। बोर्ड पर हमने ड्रॉ किए हैं, शब्द लिखे हैं, आप भी वैसा कॉपी में ड्रॉ करेंगे और उसका चित्र बनाकर शब्द लिखेंगे और उस शब्द के साथ विशेषण शब्द भी लिखेंगे, उसे रेखांकित करेंगे और साथ ही चित्रों में रंग जरूर भरेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहला चित्र हमने कौन सा बनाया है, फूल। तो फूल कैसा है, कैसा होता है फूल दिखने में, सुंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विशेषण शब्द फूल के लिए सुंदर। आप चाहें तो इसके अंदर रंग भरकर लाल फूल लिख सकते हो, गुलाबी रंग भरो तो गुलाबी फूल, पीला रंग भरो तो पीला फूल भी लिख सकते हो। आप रंग भी लिख सकते हो सुंदर की जगह, मैंने रंग नहीं लिखा है क्योंकि मैंने तो रंग भरा ही नहीं है। दूसरा शब्द उदाहरण, यहाँ पर आम लिखे मैंने, आम तो मैं लिख सकती हूँ पीले आम। अगर मैं रंग भर दूँ उसमें पीला तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ पीले आम, लेकिन अभी मैंने रंग नहीं भरा है तो मैं यहाँ संख्या लिख सकती हूँ, काउंट करके भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ दो आम, तो आम का विशेषण क्या हो गया, दो। और अगर पीला लिखती तो दो है इसलिए पीला आम ना लिखकर पीले आम लिखती तो भी चलता। आप या तो रंग के बारे में लिख सकते हो, संख्या के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पुस्तकें, तो यहाँ पर एक दो तीन पुस्तकें हैं, तो मैं पुस्तकें लिख सकती हूँ तीन पुस्तकें, नई पुस्तकें भी लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी तीन पुस्तकें क्योंकि मैंने गिन के लिखी है। पुस्तकें कितनी हैं, तीन हैं। अब बात आ रही कलर यानी पेन, पेन देख रही हूँ यहाँ पर एक पेन है, यहाँ पर मैं एक लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी नई कलम, ये मेरी नई कलम है। तो कलम कब है, ये नई खरीदी गई है इसलिए मैं लिखूंगी इसको नई नई कलम। अब चश्मा, तो चश्मा आप देख रहे हैं गांधी जी लगाते हैं ऐसा चश्मा, हमने चित्रों में देखा है कई बार, आजकल वापस फैशन में भी है ये चश्मा। ये कैसा है, गोल है, गोल है इसके ग्लास का आकार, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चश्मा कैसा है, गोल। तो चश्मे की विशेषण हो गया गोल। फिर ये आप फ्रॉक देख सकते हो, फ्रॉक कैसी दिख रही है, थोड़ी बड़ी है, थोड़ी कलरफुल है। अगर रंग भरोगे तो आप रंगीन फ्रॉक लिख सकते हो, तो रंगीन फ्रॉक अगर हम लिखेंगे तो हमें उसमें रंग भी भरने पड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर रंगों की बात आई तो हम रंग भर देते हैं, यहाँ पर हमने देखिए पर्पल रंग भर दिया इसमें, ठीक है, यहाँ भी हमने पर्पल रंग भर दिया। ये आग यानी पर्पल यानी जामुनी, यहाँ पर हम उसको कर रहे हैं थोड़ा सा हरा, ठीक। यहाँ भी हमने थोड़ा सा हरा रंग कर दिया यानी ग्रीन हरा रंग कर दिया। और भी बाकी बची हुई जगह में आपने ये सफेद रंग की बच्ची को ही सफेद रंग दिया, तो आप इसको क्या कह सकते हो, फ्रॉक कैसी हुई रंगीन। पहले मैंने रंगीन नहीं लिखा क्योंकि रंग नहीं थे, अब मैं रंग डाल दिए हैं तो रंगीन लिख सकती हूँ रंगीन फ्रॉक। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, या तो गिन के उनकी संख्या के बारे में भी लिख सकते हो तो भी विशेषण है। अगर उस पर कोई रंग करा है तो रंगीन लाल नीली पीली जो रंग करा है वो भी विशेषण में लिख सकते हो। उनके आकार यानी शेप गोल चौकोर वो भी लिख सकते हो, या फिर वो दिखने में कैसे सुंदर पुराने नए वो भी लिख सकते हो। तो विशेषण शब्द आपने वैसे भी देखा है, गुण आकार संख्या किसी को भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारे अभ्यास कर लीजिए कॉपी में, आपको करने में अच्छा लगेगा और समझ के करना। आप शब्दों में दो की जगह पर आप पीले आम लिख सकते हो, पके आम लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो विशेषण शब्द। आप यहाँ पर हमने शब्द दिए नहीं हैं, आप अपनी सोच से शब्दों का चयन कर सकते हो। तो कीजिए अभ्यास कॉपी में और साथ ही रिविजन कीजिएगा, जो भी डाउट हो वो लाइव क्लास में पूछिएगा। सेहत का ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।